हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल। माय नेम इज मनोरमा। गाइस, आज एक ऐसा जॉब मैं आप लोगों के साथ में फिर से शेयर कर रही हूँ जहां पर आप लोगों के पास में लैपटॉप या इंटरनेट की कनेक्टिविटी का होना जरूरी नहीं है, मतलब ब्रॉडबैंड होना जरूरी नहीं है। जो काम मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, वो कंप्लीटली जो काम है वो आप आपके एंड्रॉइड फोन से, आपके मोबाइल फोन के थ्रू में यहाँ पर कर सकते हो। इसके लिए किसी भी ब्रॉडबैंड की जरूरत नहीं है या लैपटॉप या किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन की आपको जरूरत नहीं है। सीधे साधे आपके एंड्रॉइड फोन के थ्रू में आप ये काम कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पर आपको काम करने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बस आपका एक इंग्लिश समझ में आना चाहिए, एक बेसिक इंग्लिश का जो लेवल होता है वो आपको आना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपको होना चाहिए और आपके लोकल लैंग्वेज आपको उसके लोकल लैंग्वेज में आपको बोलना आना चाहिए। आपको असम सबको वो आता है, लेकिन उसमें भी आपका जो स्किल होता है कम्युनिकेशन वाला वो सबसे अच्छा चाहिए। यस, ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द गिग इंडिया। गिग इंडिया के बारे में मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हर तरह के जो जॉब होते हैं वो यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो गिग इंडिया में टेलीसेल्स कंसल्टेंट का फिर से एक जॉब प्रोफाइल आया है। पैन इंडिया आप कहीं से भी हो, इस लोकेशन के लिए, इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करोगे, तो आपको रिवर बैंक जरूर यहाँ से आएगा। सैलरी का रेंज कितना होगा, ये सारी चीजें आप आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विद यू गाइस। देखो, आप सबको पता है कि जॉब को पाना इतना आसान नहीं होता है, टफ होता है किसी भी अच्छी कंपनी में हम लोगों को जॉब मिलना। आजकल तो काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं एक अच्छी जॉब पाने के लिए। आपको पता है असाइनमेंट्स, इंटरव्यूज, कॉल्स का नेवर एंडिंग लूप, आप सबको पता है कितना टफ जाता है एक सिंपल सा जॉब पाने के लिए। इतनी मेहनत के बाद में भी हम लोगों को क्या मिलता है, तो वी विल गेट बैक टू यू। मतलब एक क्रश का रिजेक्शन जितना चुभता है ना, उतना ही ये रिजेक्शन हमें चुभता है, राइट? आप सब मेरे ख्याल से इस एक्सपीरियंस से जा चुके होंगे। बट सबसे बड़ी बात क्या पता है आप लोगों को, एक जॉब को ढूंढना वही सबसे टफ जाता है। तो क्या इस पूरे सिचुएशन का कोई हल है, क्या इसके लिए कोई उपाय है? तो यस, ऑफकोर्स है, हायरेक्ट ऐप। आप क्या गाइस, हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। हायरेक्ट पे आप क्या कर सकते हो, तो हायरेक्ट पे आप डायरेक्टली जो इनके एचआर मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, उनके साथ में डायरेक्टली चैट कर आप इजी गोइंग में यहाँ पर जॉब पा सकते हो, और वो भी बिना कंसल्टेंसी के। वहां पे नियर अबाउट 120,000 से ज्यादा जॉब जो है यहाँ पर अवेलेबल है। गाइस सोचो, इतना बड़ा अमाउंट है, इतने बड़े जॉब्स अवेलेबल है, और फिर भी हम सोचते हैं कि हमें एक जॉब नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है ना गाइस, वहां पर हमारे सिलेक्शन के चांसेस भी जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपल से क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, वहां पर जाना है आपको, उस लिंक पर क्लिक करना है, उस ऐप को, हायरेक्ट ऐप को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। और वहां पर वो जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो उस ऐप में आपको जब आप लॉगिन होते हो, तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, लोकेशन, इससे रिलेटेड होंगे। और आपके दिए हुए आंसर्स के आधार पर हायरेक्ट ऐप क्या करता है, हायरेक्ट ऐप का एल्गोरिदम तो आपको उस रिक्रूटर से मैच करता है जो आपके प्रोफाइल से मैच होता है, और आपको वही रिक्रूटर्स वहां पर आपके सामने आ जाएंगे। और जितने ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं आपके प्रोफाइल से मिलते जुलते, उसी से रिलेटेड आप उस जॉब के लिए आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि जब हम कोई क्वेश्चन यहाँ पर फिलफिल करते हैं या किसी के आंसर्स देते हैं जहां पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, तो हम सोचते हैं कि क्या ये सिक्योर है। तो यस, ऑफकोर्स यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस आप जब तक परमिशन नहीं देते हो, तब तक आपका पर्सनल डेटा यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी रिक्रूटर के साथ में शेयर नहीं होगा गाइस। सो डोंट वरी अबाउट द प्राइवेसी पॉलिसीज। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है वहां पर आपको क्लिक करना है, और आपके हायरेक्ट ऐप जो है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल सा हायरेक्ट ऐप को आप डाउनलोड करो, और न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है इसको आप वेलकम करो गाइस। हायरेक्ट इज डायरेक्ट हायरिंग ऐप। चैट करो एचआर मैनेजर से, टीम लीडर से, और डायरेक्टली उनके साथ में कनेक्ट कर आपको एक इजी गोइंग जॉब प्रोसेस यहाँ पर मिल जाएगा। हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है गाइस। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया, एक बार जरूर वहां पर जाकर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। बात करती हूँ आज के जॉब के बारे में। जैसे मैंने कहा, गिग इंडिया पर अगर आपका क्वालिफिकेशन 12th पास भी है, ग्रेजुएट भी है, आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपके पास में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको बस आपकी लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छी से आनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर कि आप यहाँ पर एज ए फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हो, मतलब आपको फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जितना आप काम करोगे, जितने इनका जो टारगेट होता है ना, उतना जितना कंप्लीट करोगे ना, उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगी। मतलब आप कुछ आवर्स यहाँ पर डेडिकेट करते हो, नियर अबाउट 7 to 8, और अगर आपका टारगेट कंप्लीट होता है तो 10,000 के आसपास में आप लोगों को यहाँ पर अर्निंग के पोटेंशियल हो जाते हैं। अब मुझे पता है कि जितना टाइम हम यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सैलरी रेंज नहीं मिल रहा है, राइट? बट जो लोग फ्रेशर है, जिनको घर पर बैठकर फिलहाल के लिए कुछ काम नहीं है, तो वो लोग अपने मोबाइल के थ्रू में ये काम कर सकते हो, क्योंकि लीड्स जो है वो आपको कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कॉलिंग का काम करना है, इनके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताना है, जो प्रोजेक्ट्स इन लोगों को मिलते हैं गिग इंडिया को, ठीक है। और उनके बारे में अगर आप बोलते हो
और कस्टमर्स को वो पता चलता है, वो अगर एग्री हो जाते हैं तो आपको आपका इनकम जो यहाँ पर मिल जाता है। तो जिन लोगों को फिलहाल के लिए कोई भी जॉब नहीं है और दे वॉन्ट एक्सपीरियंस कि टेलीसेल्स वाला एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो वो लोग जरूर अप्लाई करना। हाँ, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर मत अप्लाई करो, क्योंकि उसके रेंज उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी का रेंज जो है वो थोड़ा सा कम है। जिन लोगों को मतलब लिमिटेशन है ना, लैपटॉप नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी कम है, वो लोग जरूर यहाँ पर ट्राई करना, ताकि आपको एक अच्छी खासी एटलीस्ट एक्सपीरियंस भी मिल जाए और उसी के साथ में थोड़ा बहुत आपको अर्निंग पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस मिल जाए। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है गाइस, तो लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, एक फॉर्म आ जाता है आपके सामने, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, सही सही इन्फॉर्मेशन भरना। और जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो आपके लोकेशन के अनुसार, मतलब हाँ पैन इंडिया, आप कहीं से भी इस लोकेशन के लिए, इस प्रोफाइल के लिए आप इलिजिबल होते हो, आपको वहां से एक रिवर्ट बैक कॉल आ जाएगा, एक टेलीफोनिक आपको इंटरव्यू हो जाता है और एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। हाँ, लेकिन गिग इंडिया एक अच्छी कंपनी है गाइस, ये नहीं है कि ये लोग फ्रॉड है या पैसे नहीं देते, आप जितना काम करोगे उतना ही आपका यहाँ पर अर्निंग हो जाता है, मतलब पोटेंशियल अर्निंग है, यहाँ पर फिक्स अमाउंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। और हाँ, और एक बात मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में भी याद दिलाना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है गिग इंडिया में, तो यू कैन ट्राई ऑन द हायरेट ऐप ऑल्सो। हायरेट ऐप की लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है गाइस। हायरेट है तो डायरेक्ट है, आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है एचआर मैनेजर्स के साथ में और टीम लीडर्स के साथ में। तो गाइस प्लीज एक बार हायरेट ऐप की जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसको आप एक बार क्लिक करो और उस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करो। बहुत सारे जॉब्स प्रोफाइल्स आप लोगों को आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, प्रोफाइल के अनुसार यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो प्लीज एक बार लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, क्लिक जरूर कर लेना। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।